ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। विदेश यात्रा से लौटे पीएम मोदी का दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी इच्छा थी कि वैज्ञानिकों से मुलाकात करूं, इसलिए विदेश से लौटकर बेंगलुरु पहुंचा और उन वैज्ञानिकों से मिला जिन्होंने देश को यह प्रसिद्धि दिलाई। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के टच पॉइंट का नाम शिव शक्ति और चंद्रयान 2 के टच पॉइंट का नाम तिरंगा रखे जाने की जानकारी दी और कहा कि भारत हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएगा। उन्होंने कहा कि जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 उतरा उस बिंदु को शिव शक्ति नाम दिया गया है। शिव की बात होती है तो शुभम होता है और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश के नारी शक्ति की बात होती है। उन्होंने 1 सितंबर से क्विज प्रतियोगिता शुरू करने का भी ऐलान किया। जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया हुआ है उस पॉइंट को एक नाम दिया गया और नाम दिया है शिव शक्ति। और जब शिव की बात होती है तो शुभम होता है और शक्ति की बात होती है तो मेरे देश की नारी शक्ति की बात होती है। और चंद्रयान 3 में सफल हो गए तो आज चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका भी नामकरण किया और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा। हर संकटों से जूझने का सामर्थ्य तिरंगा देता है, हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगे देता है। और इसलिए 2 में विफलता मिली, 3 में सफलता मिली तो प्रेरणा बन गई तिरंगा। और इसलिए जो पॉइंट 2 चंद्रयान 2 जो पॉइंट के रूप में अब तिरंगा के रूप में जाना जाएगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।